नमस्कार, दुरुस्त न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आर्टिकल 370 एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार की तरफ से जो पूरे कश्मीर को पलट सकता है, एक ऐसा फैसला जो शायद मोदी सरकार के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। पूरे देश में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, जैसे कि हमने कोई जंग जीत ली हो, जंग उनसे जो शायद हमारे ही देश का एक अटूट हिस्सा था। 370 एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी वजह से ही कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा था। क्या आप 370 के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की हालत क्या होगी, बिगड़ेगी या फिर और ज़्यादा सुधर जाएगी? क्या आप 35A के बारे में जानते हैं? क्या आप कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है, लेकिन शायद उसको इन सवालों के जवाब सही से नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी एक वो फैसला था जिसकी वजह से कश्मीर और कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी वजह से कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। एक टेम्पररी प्रावधान जरूर था ये, लेकिन इतने सालों में जितनी भी सरकारें आईं, इन्होंने इस आर्टिकल को हटाने का या फिर इस आर्टिकल के लिए कोई सुधार करने का कोई काम नहीं किया। उसकी उल्टी तरफ अगर आप देखें, 35A एक ऐसा प्राविधान जहां पर कश्मीर में आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते थे। आप कश्मीर में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे सीधे तौर पर। वहां पर अगर नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी हों या फिर गैर सरकारी, कश्मीरियों को ही सबसे पहले हक मिलता था उन नौकरियों को पाने में, यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाके नौकरी नहीं पा सकता था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ये सारे प्राविधान हट जाते हैं। देश का कोई भी बाशिंदा कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है, दूसरी तरफ वहां पर किसी को भी नौकरी मिल सकती है। जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, मीम्स का दरवाजा खुल चुका था, यानी हर किसी के व्हाट्सएप पे कुछ इसी तरह के मैसेजेस आने लगे कि हम कश्मीर में जमीन खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलरों की दुकान कश्मीर में अब खुल जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि अब कश्मीरियों की जो हालत है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनों की जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कश्मीरियों की आमदनी और अच्छी हो जाएगी। क्या आपको ये सब सही लगता है? क्या आपको ये सही लगता है कि इस तरह से नाच गाना, इस तरह से खुशियां मनाना, वो भी तब जब कश्मीरियों की हालत क्या है, कश्मीरी किस तरह से वहां जी रहे हैं ये आपको पता ही नहीं। इस फैसले से कुछ दिन पहले वहां पर मिलिट्री डिप्यूट करी गई। इस फैसले के कुछ दिन पहले से ही वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां पर टेलीफोन कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, वहां के जितने भी बड़े नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया या फिर घर पे ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। किसी भी लोगों की कोई भी प्रतिक्रिया बाहर नहीं आई। सरकार ने वहां के लोगों से कुछ नहीं पूछा, सरकार ने ऑपोजिशन से कुछ नहीं पूछा, सरकार वहां पर है ही नहीं। वहां पर सेंट्रल जो है वही वहां पर रूल कर रहा है, यानी गवर्नर की वहां पे सरकार है और गवर्नर सेंटर यानी केंद्र के अंडर में ही आता है। यहां पर सरकार को पहले वहां इलेक्शन करवाने चाहिए थे, वहां पे एक राज्य की सरकार बनानी चाहिए थी, ऑपोजिशन को भरोसे में लेना चाहिए था, वहां के लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था, क्योंकि ये वो प्राविधान है, यही वो आर्टिकल 370 है जिसकी वजह से कश्मीर और कश्मीर के लोग हमारे साथ जुड़े थे। जब यह फैसला उन्हीं लोगों के लिए था तो क्यों सरकार ने उन लोगों को भरोसे में नहीं लिया? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो कश्मीर में हुआ यानी आर्टिकल 370 का जो खात्मा हुआ वो एकदम सही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक जवाब है कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म का। क्या आपको लगता है ये तर्क सही है? जी बिल्कुल नहीं। यानी सन 1990 से लेके सन 1996 तक जो सरकार वहां पर रूल कर रही थी वो थी केंद्र की सरकार, यानी सत्ता केंद्र के पास, और ये वो समय था जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मार कर बाहर निकाला गया। मार के कि जिसने बाहर निकाला वो कश्मीरी नहीं थे,
वो मिलिटेंट्स थे, वो आतंकवादी थे, जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना शहर, अपना गांव छोड़ना पड़ा और तब की केंद्र की सरकार खुद के ही लोगों को सिक्योरिटी देने में फेल हो गई। ये एक फेलियर था केंद्र की सरकार का, जो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाई उस समय। आज भी वही दशा है, यानी पिछले 12 महीने से कश्मीर में केंद्र का ही शासन है, यानी पिछले 12 महीने से केंद्र का ही शासन वहां पर चल रहा है, गवर्नर का वहां पर शासन है। इन 12 महीनों में वहां पर एक भी कश्मीरी अपने घर वापस नहीं जा पाया। 2014 से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन 2014 से वो 62,000 परिवार जो रजिस्टर्ड है जम्मू और दिल्ली में कि हम कश्मीरी पंडित हैं और हम अपने घर से बाहर हैं, इन 62,000 परिवारों में से एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने घर वापस गया हो। क्या यहां पर 370 आड़े आ रहा था कि कश्मीरियों को अपने घर वापस भेजा जाए? क्या कश्मीरी इस वजह से वापस नहीं जा पा रहे थे, कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 370 था? ये जो तर्क है, यही बहुत बड़ा गलत तर्क है कि कश्मीरी पंडित इस वजह से वापस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। कुछ लोगों का ये भी कहना है वहां पर जो सरकार है उसके हाथ बंधे हुए थे। अब तक हर सरकार के हाथ इतने बंधे हुए थे कि सरकार वहां पर कुछ कर ही नहीं पा रही थी। क्या ये तर्क आपको सही लगता है? ये भी तर्क छूटा तर्क है, क्योंकि सरकार के हाथ और जो वहां पर फौज थी उसके हाथ खूब खुले हुए थे। वहां पे हद से ज्यादा छूट दी गई थी। 370 यहां पर भी आड़े नहीं आता है। जी हाँ, 370 ये जरूर कहता है कि वहां के जो आम नागरिक हैं उन पे गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, वो उनको गायब भी नहीं किया जाएगा। यानी कई ऐसे कश्मीरी हैं जो गायब भी हो चुके हैं पिछले कई सालों में। क्या आपको ये तर्क सही लगता है? यकीनी तौर पर आपको भी पता होगा कि वहां पर इन तमाम जो धाराएं थी, इन सबकी धज्जियां ही उड़ाई जा रही थी, सरकार, मिलिट्री और मिलिटेंट, इन सभी की वजह से। इसका प्रूफ भी हम आपको दे देते हैं। यानी 1989 के बाद से जो मिलिटेंट्स की मौत हुई है वहां पे, वो है 23,745। और दुख की बात यह है कि वहां पर जो आम नागरिक मारे गए हैं वो है 14,903। यानी 70% से भी ज्यादा जो आम नागरिक हैं वहां के, उनकी मौतें हुई हैं जो मिलिटेंट्स वहां पे मारे गए उनके मुकाबले। यहीं तक बात नहीं रुकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से जो बड़े ऑपरेशंस हुए थे या फिर फेक एनकाउंटर्स या फिर आप क्रॉस फायरिंग की जो आप बात करते हैं, उसमें भी हजारों लोगों की मौत हुई। यानी ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड आंकड़े हैं वो आज तक आपको नहीं समझ में आएंगे, ना ही पता पड़ा होगा। ठीक, ये क्या ये दर्शाता है कि जो सरकारें इतने सालों से वहां पे रूल कर रही थी, इनके हाथ बंधे हुए थे 370 की वजह से या फिर 35A की वजह से? यकीनी तौर पर अगर इनके हाथ बंधे हुए होते तो इतनी मौतें वहां पर दर्ज नहीं होती, इतने मिलिटेंट्स वहां पर नहीं मारे जाते, इतने आम नागरिक वहां पे नहीं मारे जाते, इतने लोग जो मासूम थे, ना ही वो मिलिटेंट के साथ खड़े थे, ना ही वो आर्मी के साथ खड़े थे, वो सिर्फ वहां के नागरिक थे। पिछले 70 सालों में उन्होंने खुली आबो हवा में सांस नहीं ली है। यानी जिस तारीख से कश्मीर हिंदुस्तान के साथ आया है, उस तारीख से लेके आज तक वहां पर मिलिट्री का राज बरकरार है। घर से अगर आप बाहर निकलें चाय पीने के लिए भी, तब भी आपको एक बंदूकधारी वहां पे खड़ा नजर आता है। कश्मीरियों के पास ना ये रास्ता है कि वो आतंकवादियों का साथ दें, ना उनके पास ये रास्ता है कि वो आर्मी का साथ दें। दोनों ही तरफ से वही लोग हैं जो पिसते हैं। कश्मीरियों को भेड़ बकरियों की तरह गिना जाता है सुबह और शाम। कश्मीर के ऐसे कई गांव हैं जहां पर यही हालत आज भी है। आप सोच के देखिए, क्या आप इस तरह से जी रहे हैं? कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की ये बात आ गई है। यानी रेस्ट ऑफ इंडिया जहां पर बताशे बांटे जा रहे हैं, होली का माहौल हो चुका है, दिवाली का माहौल हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर धारा 370 खत्म हो गया है। कश्मीर के लोग किस हालत में हैं, किस दशा में वहां पर हैं, इसकी खबर कहीं नहीं है। कश्मीर के लोग क्या खुश हैं, कश्मीर के लोग क्या दुखी हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ना किसी मीडिया ने उनका कोई वीडियो फुटेज जारी किया है, ना सरकार ने खुद वीडियो फुटेज जारी किया है। ये वो लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में शायद कभी
कदम भी नहीं रखा होगा। ये वो लोग हैं जो कश्मीरियों को नहीं जानते हैं, जो कश्मीरी बाहर आके पढ़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, 1200 से भी ज्यादा छात्र वहां पर हैं जो नजरबंद हैं। यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर ना निकलें। ऐसे कई और कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसी तरह का फतवा जारी किया है। आखिर क्यों ये तमाम लोग इतने सिक्योरिटी के साथ इनको रखा जा रहा है? आखिर क्यों कश्मीरियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है? आखिर सरकार को इतना क्या भय है कि वहां की जो राजनेता हैं, जो कश्मीर को भली बात ही जानते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार ने वहां के टेलीफोन सिस्टम को, वहां के इंटरनेट को, या फिर वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बंद किया है? आखिर क्यों इतनी सारी मिलिट्री, जो कि पहले ही वहां पर इतनी सारी मिलिट्री थी, फौज थी, उसके अलावा और फौजों का वहां पर डिप्यूट क्यों किया गया? आखिर ये तमाम सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीरियों का भला होगा। अगर कश्मीरियों का भला होना था तो क्यों सरकार कश्मीरियों को बोलने नहीं दे रही है? आखिर उनकी जुबान पे ताला क्यों लगा रही है सरकार? कश्मीर के 370 के खात्मे और 35A के खात्मे के बारे में बात करने से पहले हमें कश्मीर के इतिहास को ज़रूर जानना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो पटाखे बजा रहे हैं बिना कश्मीर के इतिहास को जाने। ये वो लोगों के लिए है जो कश्मीर के बारे में जानते ही नहीं हैं, लेकिन खामा खां के व्हाट्सएप मैसेजेस और इस तरह के तमाशों वाले मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। एक वीडियो हमने ऐसा भी देखा जहां पर हरियाणा के कुछ लोग लाल चौक पर जश्न मनाते नजर आए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, किसी के घर में मातम है या फिर किसी के घर में खुशियां मन रही हैं, फिर दुख है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से वहां पहुंच गए, शराब के नशे में नाच गाना कर रहे थे क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 का खात्मा हो गया है। 2300 साल पहले मौर्याओं का वहां पर शासन था, उसके बाद कुशांस ने वहां पर अपना हक जताया, और ये वो दौर था जब वहां पर बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया गया, यानी ये केंद्र था बौद्ध धर्म का, जहां पर बौद्ध प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके समक्ष है जो कि लद्दाख है। इसके बाद 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बहुत सारे हिंदू राजाओं ने वहां पर राज किया। 13वीं शताब्दी के आते आते वहां पर इस्लाम ने अपने कदम फैलाने शुरू कर दिए थे। यही वो दौर था जब एक हिंदू राजा ने इस्लाम को कबूला और वो मुसलमान कन्वर्ट हो गए, और इसके बाद काफ़ी सारे हिंदू या फिर काफ़ी सारे अन्य रिलीजन के लोग, उन्होंने भी इस्लाम को कबूलना शुरू किया और धीरे धीरे इस्लाम वहाँ पर पनपने लगा। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक सुल्तान का वहाँ पर राज होने लगा, यानी वहाँ पर इस्लाम बहुत ज़्यादा घर कर चुका था। 1586 की ये बात है जब मुगलों ने वहाँ पर अपना शासन कायम किया। इसके बाद 1751 की बात अगर आपको बताएं तो अफगानों ने वहाँ पर हमला किया, अफगानों ने अपनी जीत वहाँ पर हासिल करी और कश्मीर अब अफगानों के पास पहुँच गया था। 1819 की अगर आप बात करें तो सिखों ने अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा और सिखों ने पूरे कश्मीर पर अपना हक जता लिया। इसी में से एक राजा थे, राजा रंजीत सिंह, जिनकी मौत के बाद जो डोगरा रूलर्स थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कई सारे युद्ध लड़े। अंग्रेज़ इनको अपना दोस्त मानते थे तो इनको कुछ देना चाहते थे, तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि आप एक कहे अनुसार इतना पैसा आप दे दें तो आप कश्मीर ले सकते हैं। तब के महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए के एवज पे पूरे के पूरे कश्मीर को अपने नाम कर लिया। इसके बाद इन्हीं लोगों के पास पूरा का पूरा कश्मीर रहा। आखिरी राजा थे राजा हरि सिंह। बात 1947 की है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था। ये कहा गया जहाँ जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान बन जाएगा और जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है वो पाकिस्तान बन जाएगा। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों ही धर्म के लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादा थे मुसलमान। पाकिस्तान का ये दावा था कि क्योंकि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ ही जोड़ना चाहिए, लेकिन राजा हरि सिंह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो खुद हिंदू थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर मिलें। दुविधा ये थी कि वो हिंदुस्तान के पास भी नहीं जाके मिल सकते थे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो मुसलमान थे।
तो उन्होंने ये फैसला लिया कि ना मैं पाकिस्तान से जाके मिलूंगा, ना मैं हिंदुस्तान के साथ मिलूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहूंगा। इसी के चलते पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है कि आप व्यापार के लिए या फिर आने जाने के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप चाहें आप कश्मीर आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं। और ऐसी ही एक संधि हिंदुस्तान के साथ भी राजा हरि सिंह जी करना चाहते थे। ये सब चल ही रहा था कि पुंज इलाके के जो कबालिये थे उनके और वहाँ की फौज के बीच में झड़प हो गई। फौज की कुछ गोलियों से कुछ लोग वहाँ पर मर जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी हवा का रुख पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए मिल जाता है, यानी पाकिस्तान ने अपनी फौज वहाँ पर भेज दी और ये कह गए कि हम जो मुसलमान हैं वहाँ उनकी हम रक्षा करेंगे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह हिंदुस्तान मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं। हिंदुस्तान के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ते हैं तो हमारी फौज कश्मीर के अंदर आएगी और आपका जो राज्य है इसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। हरि सिंह जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। हरि सिंह जी ने हामी भरी। कश्मीर के ही बहुत बड़े लीडर शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू जी के सामने राजा हरि सिंह जी ने ट्रीटी साइन कर दी, यानी ऑफिशियली 16 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया था। यानी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब कश्मीर हमारे पास नहीं आया था, समझने की बात है। अक्टूबर 16 तारीख सन 1947 को ही कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा बन गया था, लेकिन उससे पहले ही जो पाकिस्तानी फौज थी वो श्रीनगर के काफ़ी करीब पहुँच गई थी। फॉरेन हिंदुस्तान की फौज अंदर घुसती है और उनको पीछे खदेड़ने लगती है, और वो एक ऐसा समय था जब बर्फबारी वहाँ पर हो गई और एक ऐसा समय जहाँ पर दोनों ही सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। मजबूरी ये थी, वहाँ पर सड़कें बंद हो गई थी, बर्फबारी इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो एक तरह का जो जंग थी उसमें पॉज लग गया था। ये जंग दोबारा से शुरू होनी थी जो कभी नहीं हुई। सन 1948 में यूएन दखल देता है। यूनाइटेड नेशन एक फॉर्मूला लेके आता है जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अनुसार तीन ऐसी शर्तें थी जो कि दोनों ही देशों को पूरी करनी थी। अगर पहली शर्त पूरी नहीं होती है तो दूसरी और तीसरी शर्त का नाम ही नहीं आता है। यानी पहली ये शर्त थी जो पाकिस्तान की फौज है उसको पीछे हटना होगा, वहाँ के जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन सभी को वहाँ से हटाना होगा। दूसरी शर्त ये थी जो हिंदुस्तानी आर्मी है उसको भी पीछे हटना होगा, वहाँ पे सिर्फ उतने ही लोग रहने चाहिए जो कि एक पूरे कश्मीर पे एक इलेक्शन कराने के लिए काफ़ी हों। तीसरी शर्त ये थी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की प्रजा है उसके बीच में एक इलेक्शन कराना होगा जो ये कहेगा कि यहाँ के लोग किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के या फिर हिंदुस्तान के। पहली शर्त जो पाकिस्तान को अपनी फौज और अपने नागरिक पीछे खींचने की थी वो आज तक पाकिस्तान ने नहीं पूरी करी, तो दूसरी और तीसरी शर्त के बारे में बात तो होती ही नहीं है। पाकिस्तान सीधे ये चाहता है कि इलेक्शन कराएं, पहली और दूसरी शर्त को वो खारिज करता है। खैर, ये वो तमाम बातें हैं, ये तमाम वो इतिहास है जो शायद काफ़ी सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगा। सन 1948 के आते आते आर्टिकल 370 और 35A भी अमल में आ जाता है, एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है कश्मीर को, जो अब इसको हटा दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आप ही हमें बताइए, जो ये मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, इसका असर क्या है? अब जो सरकार है उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं कि जो इन लोगों ने कहा है, यानी आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये तमाम चीज़ें वहाँ पर बदल जाएंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, वहाँ पर प्रगति ज़्यादा होगी, तो ये सच हो, यानी वो जो लोग जो अभी भी बंदूक के साए में जी रहे हैं, जिनको आपने एक तरह से बंद कर रखा है, वो बाहर आएं, वो खुल के बोलें कि उनको क्या चाहिए, उनकी मर्जी क्या है, एक तरह से उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, फिर उनकी मर्जी से हुआ है, उनको बाहर आना चाहिए। जो वहाँ पर मिलिट्री अभी है उसको धीरे धीरे से घटना चाहिए, यानी जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास इस तरह के शहरों में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही कश्मीर में भी आवाम खुश रहे। जो आपको बॉर्डर्स को सिक्योर करना है वो आप करें, लेकिन कश्मीर के लोगों को आप जिस तरह से दबाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 370 अगर हटा है, अगर ये देश के हित में है तो इसका हम स्वागत करते हैं। अगर ये आर्टिकल 370 जो हटा है ये देश के हित में नहीं है, कश्मीर के हित में नहीं है, तो हम इसका स्वागत शायद नहीं करते हैं।
अब आने वाला समय बताएगा, जो पहेली है जो कश्मीरी लोगों के ऊपर जो कुछ भी अभी हुआ है, जो कश्मीरी लोग चाहते हैं, ये एक पहेली ही बन के रहा है, क्योंकि तब तक इसका असर तब तक इस बात का असर नहीं पता पड़ेगा कि आखिर कश्मीरी चाहते क्या हैं। एक ऐसा प्रदेश जो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तरफ है लद्दाख और दूसरी तरफ है जम्मू और कश्मीर। जम्मू में जहाँ पर हिंदू आबादी है, कश्मीर जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, लद्दाख जहाँ पर बौद्ध आबादी ज़्यादा है। क्या ऐसा होने वाला है कि जम्मू और कश्मीर को भी आप अलग करने वाले हैं, या फिर ऐसा जब भी वहाँ पर इलेक्शंस होंगे तो वहाँ जम्मू यानी हिंदू MLAs ज़्यादा होंगे, यानी उन लोगों की आवाज़ कम सुनी जाएगी जो मुसलमान हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सरकार पर भरोसा है, हमें जुडिशरी पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर एक बहुत बड़ा भार आ चुका है कि ये तमाम जो उथल पुथल है, जो तमाम सवाल हैं लोगों के, ये साफ तौर पर वो पार्लियामेंट पे या फिर वो मीडिया के समक्ष आके इन सभी सवालों के जवाब दें। और वो लोग जो खामखा खुशियां मना रहे हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है कश्मीर से, जिनका सिर्फ लेना देना है कि हमें अगर कुछ फॉरवर्ड आता है हम भेजें, हम सिर्फ कुछ वीडियो बनाएं कि आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है और हिंदुस्तान का जीत हो गई है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचें। कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं, वो भी हमारे ही तरह के लोग हैं। कश्मीर के लोगों को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उनको किसी भी आपके एक मैसेज से ठेस पहुंच सके। कश्मीरियों के साथ हम सब सदैव खड़े रहेंगे, तभी जाकर कश्मीर हमारा होगा। किसी आर्टिकल की वजह से कश्मीर को हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के लोगों को भरोसे में लेना होगा, कश्मीरियों को भरोसा हम पर करना होगा, ताकि हम सब लोग मिलजुल कर रहें। जो भारत है, जो अखंड भारत है हमारा, वो तभी अखंड बनेगा जब हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के बारे में प्यार से सोचें, मोहब्बत से सोचें, ना कि इस तरह से कि कश्मीरियों की जबान बंद कर हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं कश्मीरियों की जब जबान खुलेगी तो आखिर क्या कहने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।